हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम XUV700 को कंपेयर करने वाले हैं इसके सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टाटा सफारी से और देखते हैं किस गाड़ी में सबसे ज्यादा दम है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। लेंथ की बात करें तो XUV700 में 34 mm ज्यादा मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू सफारी। एंड भाई विड्थ आपको सफारी में 4 mm ज्यादा मिलेगी और हाइट की बात की जाए तो 31 mm एक्स्ट्रा मिलती है आपको टाटा सफारी में। वहीं व्हील बेस की बात करें तो XUV700 में 9 mm आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो आप देख सकते हैं ऑन पेपर डायमेंशन में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए कैबिन में मिलने वाले स्पेस के बारे में तो टाटा सफारी में स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से किया गया है। हम चाहे बात करें दोनों गाड़ी के सेकंड रो की या थर्ड रो की, तो आपको टाटा सफारी में ज़्यादा स्पेस मिल जाती है XUV700 के कंपैरिजन में। स्पेशली अगर बात की जाए थर्ड रो के बारे में तो टाटा सफारी एक ट्रू 7-सीटर कार है। इसकी थर्ड रो पर भी अडल्ट आराम से बैठकर लॉन्ग रूट पर जा सकते हैं, जबकि XUV700 की थर्ड रो स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए बनी है या फिर शॉर्ट हेडेड एडल्ट्स के लिए बनी है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो की सीट पर पहुंचने के लिए टाटा सफारी ज़्यादा बेहतर कंफर्ट वे प्रोवाइड करती है। बात करें बूट स्पेस की तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियां बेकार हैं। अगर आप थर्ड रो को ऊपर कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में ना के बराबर बूट स्पेस बच पाती है। सफारी में मात्र 7.3 लीटर की बूट स्पेस मिल पाती है। इस इमेज को देखकर आप काफी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि XUV700 में भी ना के बराबर बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है जैसा आपको सफारी में मिलता है। अगर हम बात करें XUV500 की तो उसमें भी ना के बराबर बूट स्पेस दी गई थी 93 लीटर की, तो इसमें भी लगभग यही हो गया 80 या 90 लीटर की। टायर्स की बात करें तो XUV700 में 17 और 18 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि सफारी में 16 और 18 इंच के टायर दिए गए हैं। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें XUV700 में 60 लीटर का मिलता है एंड वहीं सफारी में आपको 50 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो XUV700 में 200 mm का एंड वहीं सफारी में 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है। कर्व वेट यानी कि गाड़ी के वजन के बारे में बात करें तो XUV700 135 से लेकर 215 किलो तक भारी है टाटा सफारी से। क्वालिटी तो खैर दोनों ही गाड़ियों की जबरदस्त है। महिंद्रा और टाटा की दोनों ही गाड़ियां क्रैश टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन टाइप की अगर बात करें तो XUV700 में आपको 2.2 लीटर का डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों देखने को मिलते हैं एंड वहीं टाटा सफारी में आपको 2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है। सफारी में आपको कोई भी पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो XUV700 के कुछ वेरिएंट 14.79 ज्यादा पावर जनरेट करते हैं सफारी के मुकाबले, और जबकि कुछ वेरिएंट इतने ही कम पावरफुल हैं। बात रही अगर टॉर्क की तो XUV700 का हर वेरिएंट ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है एज कम्पेयर टू सफारी। कभी 10 Nm ज्यादा, कभी 70 Nm ज्यादा, तो कभी 100 Nm ज्यादा। माइलेज की अगर बात करें तो टाटा सफारी में मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.14 एंड ऑटोमेटिक में 14.08 की माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि XUV700 के डीजल इंजन में कितना माइलेज मिलता है ये अभी तक महिंद्रा ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो XUV का माइलेज कम ही क्लेम किया जाएगा, क्योंकि महिंद्रा की ये गाड़ी सफारी से भारी है एंड ज्यादा पावरफुल भी है एंड ज्यादा टॉर्की भी है। इस गाड़ी में लगभग 15 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए। डीजल इंजन के अलावा इस गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि 197.26 bhp पावर जनरेट करता है और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जबकि सफारी में आपको किसी भी तरह का कोई पेट्रोल इंजन नहीं मिलता, सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि जो लोग ऑफरोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए XUV700 काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि सफारी एक 2 व्हील ड्राइव SUV है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो XUV700 में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड आइसोफिक्स चाइल्ड जैसे सेफ्टी फीचर आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर आप इस गाड़ी का मिड वेरिएंट AX5 खरीदते हैं तो आपको इन स्टैंडर्ड फीचर के अलावा 4 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। अगर आप AX5 का डीजल इंजन खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल जाता है। इसी तरह इस गाड़ी का अगर आप सेकंड टॉप वेरिएंट खरीदते हैं जो कि है AX7, तो आपको अभी तक मिलने वाले सेफ्टी फीचर के साथ साथ 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। पेट्रोल खरीदें या फिर डीजल खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दोनों में ही मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस सिस्टम में आपको 4 फीचर मेनली मिल जाते हैं और उनमें से मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट
अचानक से आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है कोई जानवर या कोई इंसान या कोई गाड़ी और आप घबरा जाते हैं एंड ब्रेक नहीं लगा पाते, या फिर आपको नींद लग जाती है गाड़ी चलाते चलाते, तो आपकी गाड़ी उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है। ये फीचर पहले इंडिया के बाहर दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलता था, इंडिया में अगर मिलता भी था तो काफी प्रीमियम गाड़ियों में मिलता था। तो अब 15 से 20 लाख के अंदर मिलने वाली गाड़ियों में भी ये फीचर धीरे धीरे आने लगा है। इसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एंड स्मार्ट पायलट असिस्ट जैसे फीचर भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक लग्जरी वेरिएंट भी मिलता है, अगर आप उस वेरिएंट को लेते हो तो ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट AX7L बन जाता है, जिसके बाद आपको इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी बात अगर बात करें सफारी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर के बारे में, तो आपको इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इसमें ऐसे फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी के सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सब स्टैंडर्ड फीचर के अलावा 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर जैसे सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के मामले में तो सफारी बेहतर है, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो XUV सफारी से काफी आगे है। तो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको टाटा सफारी में मिल जाते हैं एंड वो फीचर आपको XUV 700 में नहीं मिलते। सफारी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट्स और 3 टेरेन स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल, रफ और वेट मिल जाता है। हालांकि ड्राइविंग मोड आपको XUV 700 में दिए गए हैं, लेकिन उसमें टोटल 4 हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम। इसके अलावा ऑटोडिम IRVM सफारी में दिया गया है, जबकि XUV में मैनुअली आपको सेट करना पड़ता है। एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको सफारी मिल जाती है, लेकिन XUV में नहीं मिल पाती। इसके अलावा सफारी में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि XUV 700 में कैप्टन सीट आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिल पाती। XUV में आपको 2 सीटिंग ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, एक 5 सीटर और एक 7 सीटर वेरिएंट। 6 सीटर कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि आपको सफारी में 6 सीटर और 7 सीटर के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 सीटर कोई ऑप्शन नहीं है। टाटा सफारी के फ्रंट रो और सेकंड रो में 4 सीटें कैप्टन मॉडल की वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती है, जबकि XUV 700 में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। बस यही कुछ फीचर थे जो सफारी मिल जाते हैं, XUV में नहीं मिलते। तो अब बात कर लेते हैं उन फीचर के बारे में जो XUV 700 में मिल जाते हैं और सफारी में नहीं मिलते। XUV 700 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.25 की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन सफारी में आपको मैक्सिमम 8.8 इंच ही मिल पाती है। इसी तरह XUV 700 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 10.25 की स्क्रीन दी गई है और सफारी में आपको 7 इंच की मिल पाती है। XUV 700 में आपको सोनी के 12 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जबकि सफारी में आपको JBL के 9 स्पीकर ही देखने को मिल पाते हैं। इसके अलावा XUV 700 के वेरिएंट में आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है, जो कि सफारी में नहीं दिया गया है। इसके अलावा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल तो आपको सफारी में भी दिया गया है, लेकिन वो सिंगल जोन है ना कि डुअल जोन। इसी तरह 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन XUV 700 में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ी में दिया गया है, लेकिन XUV 700 में मोस्ट एडवांस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, माइक्रो हैबिट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल और पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट जैसे फीचर भी आपको XUV 700 में ज्यादा मिल जाते हैं सफारी मुकाबले। तो दोस्तों, अब सेफ्टी की बात की जाए या कन्वीनियंस की बात की जाए, दोनों ही मामले में XUV 700 सफारी से आगे है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ी के प्राइसिंग को देख सकते हैं। हाल फिलहाल इन प्राइस रेंज की अगर आप बात करें तो टाटा सफारी लगभग 1,60,000 रुपए ज्यादा महंगी है XUV 700 से। और मैं बता दूं, जो आप प्राइस देख रहे हैं XUV 700 के, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। शुरुआती 25,000 कस्टमरों के लिए ये प्राइस होंगे, उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं XUV 700 में आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने वाला डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज्यादा फीचर मिल जाते हैं, मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है और लगभग 1.5 लाख रुपए सस्ती भी है। लेकिन इस गाड़ी में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कैप्टन सीट्स का मॉडल नहीं मिल पाता और इसकी थर्ड रो इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि यहां पर कोई भी एडल्ट आराम से बैठकर ट्रैवल नहीं कर पाता। ज्यादा वजन और ज्यादा टॉर्क होने के कारण इसमें माइलेज भी आपको ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो खासकर पेट्रोल के मामले में आपको सिंगल फिगर ही माइलेज मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ सफारी के बारे में बात करें, ये 5+2 नहीं है, ये 2 7-सीटर है। इसकी 7 सीट्स को आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें माइलेज थोड़ा बेहतर दिया गया है। कैप्टन सीट का मॉडल मिल जाता है, जो देखने में प्रीमियम लगता है और यूज करने में काफी कंफर्टेबल होता है, लेकिन इसमें फीचर थोड़े कम मिल पाते हैं और थोड़ी महंगी भी है। तो दोस्तों, चलो आज हम बात कर लेते हैं कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं या
या फिर 5 सीटर SUV लेना चाहते हैं या फिर आप लास्ट रो को कोई खास यूज नहीं करने वाले, तो इस कंडीशन में आपको XUV700 ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप लास्ट रो को अच्छी तरह यूज करना चाहते हो और कैप्टन सीट भी चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको सफारी को प्रेफर करना चाहिए। इस कंपैरिजन से आपको एक बात का अंदाज तो लग गया होगा, टाटा सफारी की सेल पर ना तो MG हेक्टर कुछ कर पाई थी ना ही हुंडई अल्काज़ार, लेकिन XUV700 टाटा सफारी की सेल पर बहुत बुरा असर डालने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही गाड़ी के बारे में जानने के लिए जो हमारे चैनल पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको ऐसे दबा दें जैसे आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाड़ी ट्रेंड्स।